बिल्कुल प्रोफेसर साहब से सीधा बात कर लेते हैं। सर क्या वजह लगती है कि इतने दाम बढ़ रहे हैं क्रूड ऑयल के, और कब तक ये रहेगी, क्योंकि आम आदमी परेशान है कोरोना के दौर से लेकर और अभी तक? देखिए, अब तक प्रोडक्शन एक्टिविटी बहुत लो प्रोफाइल पे थी। अब वर्ल्ड ओवर जो मैन्युफैक्चरिंग रिवाइव कर रहा है और ओपेक ने अपना प्रोडक्शन इसी कारण रिड्यूस किया है कि जिससे कि वो अपनी प्राइसेस बढ़ा सकें, क्योंकि वन सपोर ने टाइम इट वाज 135 डॉलर पर बैरल, सो अभी 40 डॉलर पर बैरल जो प्राइस रेंज में था, इट इज ब्रीच्ड 60 डॉलर पर बैरल ऑन लास्ट मंडे। तो अभी मुझे लगता है कि प्राइसेस और बढ़ेंगी, क्योंकि एवरी कंट्री इज नाउ मूविंग टुवर्ड्स एनहांस मैन्युफैक्चरिंग। तो भारत की जनता पे ज्यादा असर देखिए आने वाले दिनों में भी, और जो भारत के पास पेट्रोल रिजर्व थे, क्या सरकार उससे कुछ राहत नहीं दे सकती? नहीं, देखिए, ये पेट्रोल रिजर्व कुछ समय के लिए हो सकते हैं, लेकिन जो एक ग्लोबल ट्रेंड सेट हो जाता है उसको रिवर्स कर पाना उतने से रिजर्व से संभव नहीं होता है। ग्लोबल हमारे पास रिजर्व जो होते हैं वो एक ऑल ऑफ सडन अगर शॉर्टेज हो गई तो उस शॉर्टेज को मीट आउट करने के लिए होता है, अदरवाइज जो इंटरनेशनल प्राइसेज हैं, और अदरवाइज वी हैव डी पैक्ड द प्राइसेज। नाउ ऑयल कंपनीज आर फ्री टू सेटअप देयर प्राइसेज अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल प्राइस। बाइडन के आने के बाद वेनेजुएला और ईरान से कुछ संबंध बेहतर होने के बाद स्थिति सामान्य होने की तरफ जाएंगे, लेकिन क्या है कि ये तो पूरा सारे जो कंट्रीज अपना प्राइसेस जो ओपेक या अदर देन ओपेक जो उनका एसोसिएशन है उस लेवल पे वो जो अपना प्राइस डिटरमिनेशन होता है, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस होते हैं उसमें, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि डिमांड बहुत गिरी हुई थी इसलिए प्राइसेस डाउन होनी थी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार कुछ राहत दे सकती है आम जनता को, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज्यादा है अभी भी? देखिए, एक तरफ तो हम कहते हैं कि एजुकेशन पे 6% खर्च करना चाहिए, हेल्थ केयर पे 4% खर्च करना चाहिए, तो अगर राज्य सरकार राहत देगी, वैसे भी हमारे देश में तो टैक्स जीडीपी रेशियो सेंट्रल गवर्नमेंट का less than 10% है, ओवरऑल सबका 17% है, तो कहीं कहीं सरकार जो कह रहे हैं उससे ये साफ लगता है कि आने वाले दिनों में देश की जनता को महंगाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए, राज्य सरकार राहत दे दे, लेकिन अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रेवेन्यू इफेक्ट होगी तो हम शिक्षा चिकित्सा सारे डिफेंस। तो सर, ये मान के चले कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी, आम जनता के ऊपर बोझ और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि राहत मिलने की उम्मीद नहीं है डीजल पेट्रोल, क्योंकि डीजल का असर तो सीधा तौर पे महंगाई पे पड़ता है। नहीं, ठीक है, डीजल पेट्रोल की भी प्राइसेस जो ओवरऑल प्राइस इन्फ्लेशन का जो बास्केट है उसमें इसका कोई बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है, और प्राइसेज इस तरह से फ्लक्चुएट तो करती रहती है, प्राइस राइज होने के और भी बहुत सारे कारण हैं, तो मुझे कुछ दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली। मुझे लगता है ये जो है इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगी तो इसका, ठीक है, कंज्यूमर्स हैं, क्रूड प्राइसेस बढ़ेंगे, ये अर्थशास्त्री भगवती प्रसाद प्रकाश जी कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए राहुल, उनसे बातचीत करने के लिए।